मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक मंदिर में बावड़ी पर बनी छत धस गई है, जिसके चलते करीब 20 से 25 लोग बावड़ी में गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद 19 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। घायलों को एमवाई और पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बावड़ी से शवों को निकाल लिया गया है, जिनमें 6 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। अभी मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हादसा इंदौर की सपना संगीता टॉकीज के पास स्थित पटेल नगर में हुआ। यहाँ एक बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हवन पूजन करने के लिए आए थे, तभी यहाँ की बावड़ी पर बनी छत धस गई और करीब 25 से अधिक लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए। उधर हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर चिंता व्यक्त की है और सीएम शिवराज सिंह से फोन पर चर्चा की। घटना के बाद से ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर इलियास रजा टी और पुलिस के कमिश्नर मकरंद देवस्कर मौजूद हैं। इनके अलावा भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।